गाइस वेलकम बैक अनदर वीडियो। 2023 खत्म होने वाला है तो इस साल हमें बहुत सारे सुपर हीरो कंटेंट देखने को मिला है, जिसके अंदर हमें सीरीज भी काफी सारे मिला है। तो उसमें से कौन सा मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है जो मेरे हिसाब से टॉप 10 हो सकता है, इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूं। और तुम अपना ओपिनियन भी रख सकते हो कि तुम्हें कौन सा सीरीज सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या तुम मेरे लिस्ट से एग्री करते हो, ये भी बता देना। तो पहले तो बात करते हैं नंबर 10 की, जिसका नाम है गौतम नाइट्स। एक्चुअली टीवी सीरीज है जो अभी तुम्हें जियो सिनेमा पे मिल जाएंगे और वो इंग्लिश में है, हिंदी में तुम्हें नहीं मिलेंगे, बट मेरे हिसाब से काफी अच्छा सीरीज था। इस यूनिवर्स में होता है ऐसा कि अपना ब्रूस वेन मतलब बैटमैन वो मर जाता है, कोई इसको मार देता है, जिसके बाद उसके एडॉप्टेड बेटे को पता चलता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन था। तो जबकि बैटमैन नहीं है तो गौतम में और भी बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ ब्रूस वेन का बेटा जाके मिलता है एक्सीडेंटली कुछ टीनेजर के साथ, जो आगे जाके धीरे धीरे बनता है गौतम का सेवियर। उसके बाद वो आगे जाके गौतम को प्रोटेक्ट कर पाएगा कि नहीं, वो जाने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा इस सीरीज। नंबर 9 है शैडो एंड बोन्स सीजन 2। इसमें क्या होता है, अंधेरी दुनिया का शैतान आता है अपने दुनिया में कब्जा करने। मतलब उनका काम तो यही होता है कि आएंगे वो कब्जा करेंगे या फिर बर्बाद करेंगे, उनका सोच तो ऐसे ही रहता है। बट अपने जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर वो छुपा हुआ पावर को डिस्कवर करते हैं किसी तरह, और वो समझ जाता है कि ये सारी चीजें सिर्फ वो ही रोक सकता है। तो वो रोकने के लिए क्या करेंगे और कैसे करेंगे वो जानने के लिए तुम्हें ये सीरीज देखना पड़ेगा। तो सीजन 1 जितना अच्छा था सीजन 2 उतना अच्छा है नहीं, बट फिर भी मुझे पसंद आया, इसलिए ये नंबर 9 पे है। अब नंबर 8 पे है इनविंसिबल सीजन 2। इसका हाफ ईयर है इसलिए मैं इसको 8 में रखा है, वरना इसको मैं टॉप पे रखता, टॉप 3 में तो आ ही जाता। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, मैंने सीजन 1 देखा था, उस टाइम तो मैं लिटरली पागल हो गए थे इसके लिए, बट पता नहीं प्राइम वीडियो वाले क्या सोच रहे थे, इन्होंने बस हाफ लॉन्च किया, जिस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए नंबर 8 पे है। बट मैं बोलूंगा तुमने अगर सीजन 1 नहीं देखा इसको जाके जरूर देखना, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। इसमें क्या होता है, एक सुपर हीरो ग्रुप है जो हर खतरे से दुनिया को प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा है, बट अचानक से एक दिन किसी तरह वो सारे मर जाते हैं। और कैसे मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, और उसके बाद आगे जाके अपनी दुनिया को कौन प्रोटेक्ट करने वाला है वो सब कुछ तुम्हें पता चलेगा और लिटरली तुम शॉक्ड हो जाओगे। जब इसका फर्स्ट एपिसोड देखोगे ना तभी तुम्हें समझ आ जाएगा आगे क्या होने वाला है। तो इसको जरूर चेकआउट करना अगर अभी तक तुमने नहीं देखा। देखो एक एनिमेटेड सीरीज है, बट ऐसा मत सोचना ये बच्चों के लिए, लिटरली बच्चों के लिए है ही नहीं, ये बड़ों के लिए है। अब नंबर 7 की बात करते हैं सीक्रेट इन्वेजन। मैं होप कर सकता हूँ ये तो सभी ने देख ही लिया होगा, क्योंकि मार्वल का सीरीज है जिसमें क्या होता है, फ्यूरी और टेलर्स मिलकर कुछ स्काल को रोकने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने सीक्रेटली अपनी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है या फिर अपनी दुनिया को बर्बाद करना चाहता है या फिर अपने लिए घर बनाना चाहते हैं इंसानों को मार के, जिनको रोकने का काम करेगा फ्यूरी और टेलर्स। और वो रोक पाएंगे कि नहीं और रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे वो तो तुम सीरीज देख के जानो। नंबर 6 बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा सीरीज है जिसका नाम है यू यू हकाशो। ये मांगा के ऊपर बेस्ड एक लाइव एडॉप्टेशन शो है, जिसमें क्या होता है अपना जो मेन कैरेक्टर है वो एक बच्ची को बचाते हुए अपनी जान दे देता है। तो उसका अच्छाई को देखते हुए उसको एक इन्वेस्टिगेट ऑफिसर बना देता है आत्माओं का दुनिया का। भाई इनका अलग ही चोचले होते हैं, जापानीज का देखो जापानीज या फिर कोरिया का अभी जो सीरीज ला रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पकड़ते हैं, जो कि देख के मजा भी आता है। देखो इसका मांगा तो मैंने नहीं पढ़ा बट बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैंने देखा मुझे मजा आया। इसका पावर जो है वो काफी अच्छे से एक्सप्लोर करता है, जो भी हो अपने मेन कैरेक्टर जो है इन्वेस्टिगेटर बन के जो लोग सुपर नेचुरल क्राइम करते हैं उनको रोकने का काम करेंगे। नंबर 5 सुपरमैन एंड लुईस सीजन 3। नाम से तो तुम्हें पता चल ही गया होगा सुपरमैन के ऊपर बेस एक सीरीज है, जो कि मैं शॉक्ड हूं देख के सच में, मतलब लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं बट मुझे बहुत ही पसंद है। सुपरमैन का मूवी और शो हमने काफी देखा है पहले, बट इसमें इसका लाइफ को जैसे एक्सप्लोर करते हैं वो चीज हमने शायद पहले नहीं देखा। वो अर्थ पे हुआ सारे खतरे के सामना तो करते ही है और उसके साथ अपने चाहने वालों के ऊपर भी खतरा आते हैं, उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। सुपरमैन की और भी काफी चीजों के ऊपर एक्सप्लोर करते हैं, जो कि देखने में मुझे मजा है पर्सनली। तुमने अगर देख रखा है तो तुम मुझे बताना तुम्हें ये सीरीज कैसा लग रहा है, और ये तुम्हें प्राइम वीडियो पे मिल जाएंगे। और देखो मैं जितने भी मूवी सीरीज का नाम बताने वाला हूँ उसके साथ तुम्हें वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है और वो हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना वीडियो के नीचे, मैक फ्रेम के ऊपर डाल दूंगा। अब बात करते नंबर 4 जिसका नाम है द मैंडलोरियन सीजन 3, और एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, बहुत ही बेहतरीन। इसका सीजन 1-2 भाई कमाल कर दिया लिटरली, और जब सीजन 3 आया फिर तो फाड़ दिया भाई, मैं बोलूंगा फाड़ दिया। तुम देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। इसमें होता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर है मैंडलोरियन वो स्टार वार्स यूनिवर्स का एक वॉरियर है, और ये पूरे सीरीज में उसका जर्नी दिखेगा, अलग अलग टाइप का जर्नी, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर उसका ओरिजिन हो या फिर उसका हिस्ट्री हो या उसका टीम वर्क हो। वो अलग अलग प्लेनेट पे ट्रैवल करते हैं और अलग अलग खतरों से लड़ते हैं, और उसका लड़ने के कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, उसका सामना वो कैसे करेंगे, वो सारे प्रॉब्लम को दिखाया गया है, वो भी बहुत ही डिटेल्स है। तो तुम जब देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। इसी यूनिवर्स का हमें और एक सीरीज देखने को मिला था इसी साल जिसका नाम है अशोका, वो भी एक बेहतरीन सीरीज में गिना जाएगा। वो एक मिनी सीरीज है, उसको चेकआउट करना चाहते हो कर सकते हो, बस 6-8 एपिसोड का ही है। वो भी तुम्हें अच्छा खासा मजा दिलाएगा अगर तुम स्टार वॉर्स का फैन हो तो। देखो मैं सिंपल से बोलूंगा मैं स्टार वॉर्स का फैन नहीं था, बट जब से मैंने मैंडलोरियन देखा है मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट जग चुका है, मैं इसको काफी अच्छे से फॉलो करता हूँ आजकल।
तुम देख के मुझे जरूर बताना कि तुम्हें कैसे लग रहा है, और अगर तुमने देख रखा है तो वो भी बता देना। नंबर 3 पे है रैग्नारोक सीजन 3। ये आया है नेटफ्लिक्स पे और ये तुम्हें हिंदी में भी मिल जाएंगे। तुम थोर और लोकी को तो जानते ही हो, उन्हीं कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड ये सीरीज है, बट ये मॉडर्न टेक लिया गया है, जहाँ पर विलेन और शैतान जो है वो कॉर्पोरेट दुनिया को कंट्रोल करते हैं, मतलब पीठ पीछे पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगते हैं और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लाना चाहता है, और उनको रोकने के लिए अपना मेन कैरेक्टर सामने आते हैं जैसे कि थोर, लोकी, हमें और भी काफी सारे माइथोलॉजी के कैरेक्टर देखने को मिलता है, और वो टीम अप करते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं। देखो ये सीजन 3 की बात करो, बट सीजन 1 में हमें इसका कैरेक्टर डेवलप दिखाया गया है, सीजन 2 में हमें और प्रॉब्लम दिखाया जाता है, सीजन 3 तो एकदम रैग्नारोक स्टार्ट हो चुका है। रैग्नारोक मतलब समझ रहे हो, मतलब पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं, तो उनके बीच एक बहुत बड़ा सा लड़ाई होगा, मतलब अच्छा और बुराई के बीच, जो कि देखने में तुम्हें मजा आएगा। तो मेरे तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है सीरीज। अब नंबर टू पे है जेन वी द वॉइस सीरीज। तो देखे हैं उसी यूनिवर्स पे बेस्ड है ये सीरीज, जिसमें क्या होता है जिन जिन बच्चों को बचपन में ही सुपर पावर मिल जाते हैं उनको एक अलग से स्कूल में भेजा जाता है ताकि वो अपना पावर का ट्रेनिंग कर सके या फिर अपना जो शिक्षा है, ठीक है, सो कॉल्ड शिक्षा, उसको ले सके, तो उसी वजह से उनको स्कूल में लाया जाता है। बट उसी स्कूल के अंडरग्राउंड में एक लैब है जिनमें उन सुन बच्चों के ऊपर रिसर्च किया जाता है, मतलब उनको काट चिर के देखा जाता है और भी बहुत खतरनाक टाइप के रिसर्च करते हैं उनके ऊपर, और इसका पता उस स्कूल के कुछ बच्चों को पता चल जाता है, मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर है उनके बारे में, और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनके ऊपर अलग अलग टाइप का खतरे आने लगते हैं और आपस में भी काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो सब कुछ तुम देख सकते हो इसी सीरीज में, तुम देखोगे तुम मजा आएगा, तुम्हें समझ आ ही रहा है कितना अच्छा बना है, तो इसीलिए ये नंबर 2 पे है। और देखो और भी कुछ सीरीज है जो कि टॉप 10 के लिस्ट में नहीं आ पाया, और वो सबका नाम मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। नंबर 1 पे है मूविंग, ये तुम्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मिल जाएंगे, और एक कोरियन सीरीज है जिसमें क्या होता है कुछ बच्चे हैं जो कि हाई स्कूल में पढ़ते हैं और उनके पास सुपर पावर है, बट एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन आके उनको एक एक करके मारता है, और वो क्यों मारते हैं, कैसे मारते हैं, और बाकी जितने सारे बच्चे हैं उनके साथ क्या होने वाला है, वो सब कुछ तुम्हें पता लगेगा जब तुम सीरीज देखोगे। और ये एक पार्ट पे खत्म नहीं होने वाला, ये बहुत लंबा चलने वाला है, बट सिंपल सी दिक्कत ये है कि ये कोरिया में है, ये तुम्हें हिंदी में भी नहीं मिलेगा, इंग्लिश में भी नहीं मिलेगा, तो तुम्हें सबटाइटल के साथ देखना पड़ेगा। मैंने देखा, मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था और मुझे देख के सच में मजा आया, बट ये हिंदी में नहीं है तो इसलिए मैं टॉप लिस्ट में डाल नहीं पाया, वरना इसको जरूर डाल। नंबर 2 है आई एम वीर्गो, ये प्राइम वीडियो पे आया है और एक मिनी सीरीज है जिसका मैंने 2 से 3 ही एपिसोड देखा है, जिसमें क्या होता है अपना मेन कैरेक्टर जो है वो 13 फीट का है, लिटरली 13 फीट, तो इसलिए वो घर से कभी बाहर नहीं जाता, मतलब उसके पेरेंट्स जाने नहीं देता, बट एक दिन वो डिसाइड करता है वो बाहर जाएगा, वो अपनी दुनिया को देखेगा, तो वो बाहर जाता भी है, बट वो बहुत सारे ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करता है, उसके बीच वो अपने प्यार भी ढूंढ लेता है और कुछ दोस्त भी बना लेता है, तुम देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। और इसमें और भी ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके पास अलग अलग पावर हैं, और जबकि कुछ लोगों के पास पावर है तो उसमें से कुछ लोग होंगे जो बुरा काम करेंगे, तो आने वाले टाइम पे अपने मेन कैरेक्टर के साथ क्या होने वाला है और कैसे वो क्या कुछ करने वाला है वो सब कुछ तुम्हें पता लगेगा अगर तुम सीरीज देखोगे। तो एक मिनी सीरीज है सिर्फ 6 एपिसोड का, तो चेकअप करना चाहते हो कर सकते हो, तो मजा आएगा, हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 3 अल्ट्रामैन, ये एनिमेशन सीरीज है, अगर तुम अल्ट्रामैन को नहीं जानते तो क्या ही बताओ, सिंपल से जाके ट्रेलर देख लेना फिर समझ आ जाएगा। नंबर 4 पे है आई एम ग्रूट सीजन 2, 4 से 5 एपिसोड है और वो भी 4-5 मिनट का है, बट ऐसे ही तुम्हें ग्रूट का अगर हरकतें देखना है तो देख सकते हो। नंबर 5 जो सीरीज अभी तक खत्म नहीं है उसका 4 ही एपिसोड आया है, जिसका नाम है व्हाट इफ सीजन 2। देखो बहुत ही लाइट हार्टेड स्टोरी चल रहा है, अभी तक कोई डार्क चीजें देखने को नहीं मिला सीजन 2 में, बट सीजन 1 का जो एपिसोड था वो सारे मुझे बहुत पसंद आए थे, मतलब सारे नहीं बट ज्यादातर पसंद आए थे, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा स्टोरी दिखा रहा है और पता नहीं आगे जगह क्या होने वाला है, और 4 एपिसोड ही बचा है, देख लेते हैं और तुम बताना क्या तुम देख रहे हो या नहीं। नंबर 6 माय एडवेंचर विद सुपरमैन, ये भी एक एनिमेशन सीरीज है जिसमें हमें सुपरमैन का एक अलग जर्नी देखने को मिलता है। अब नंबर 1 की बात करते हैं जो कि 2023 का सबसे टॉप पर हमेशा रहेगा ऑब्वियसली, जिसका नाम है लोकी सीजन 2। इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता, 2023 क्या है, 2023 छोड़ो पिछले 10 साल की कोई भी सीरीज देख लो, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, लिटरली मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। इतने अच्छे से अपने कैरेक्टर को डेवलप किया गया है, इतने अच्छे से अपने कैरेक्टर को दिखाया गया है, वो भी हर एक कैरेक्टर, एक भी कैरेक्टर ऐसे नहीं जो मिसमैच करते हैं पूरे सीरीज में। और अपना टॉम हिडलस्टन, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, लिटरली मैं बोलूंगा कमाल कर दिया, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने अभी तक ये नहीं देखा होगा। तुम बताओ क्या तुमने ये सीरीज देखा है, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ जाके देख के आओ। तो यही है जो है 2023 में जितने भी सुपर हीरो रिलेटेड सीरीज आया है उसके बारे में बता दिया, मतलब मैंने जो जो देखा है वही बताया, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया वो तुम बता सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में। और सुपर हीरो सीरीज के बारे में तुम्हारा टॉप 10 सीरीज क्या है वो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कमेंट बॉक्स में बता दो, पैसे नहीं लगेंगे फुकट के। और तुम्हें अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और मैं रेबेल मून का रिव्यू भी कर रखा है वो तुम इधर जाकर चेकआउट कर सकते हो, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और एक वीडियो के साथ ना, बाय बाय, टेक केयर।